मोदी राखी देगी चीन राखियों को टक्कर। कैट की अगुवाई में 10 जून 2020 को शुरू हुए चीनी उत्पादों के बहिष्कार के राष्ट्रीय अभियान को पूरे देश में समर्थन मिल रहा है। न केवल बाजार बल्कि उपभोक्ता भी इस बार चीन को सबक सिखाने के लिए संकल्प ले लिया है। बाजारों में इस बार भारतीय सामान से बनी राखियों की मांग बढ़ गई है। वहीं खरीदार चीनी राखियों की बजाय भारतीय सामान से बनी राखियों के लिए अधिक कीमत भी देने को तैयार हैं। रक्षाबंधन पर एक अनुमान के अनुसार देश भर में लगभग 50 करोड़ से ज्यादा राखियां खरीदी जाती हैं। मान लीजिए लगभग 6000 करोड़ रुपए का राखी का व्यापार होता है, जिसमें पिछले कई वर्षों से चीन लगभग 4000 करोड़ रुपए की राखी और राखी का सामान भारत को एक्सपोर्ट करता आया है। लेकिन इस बार कैट की हिंदुस्तानी राखी मुहिम की घोषणा के बाद चीन को 4000 करोड़ रुपए के व्यापार का झटका लगना तय है। इसी हफ्ते लागू होंगे ई रिटेलर के लिए नए नियम। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर्स के लिए नई नियमावली इस सप्ताह ही लागू हो जाएगी। इसके तहत उन्हें अपने प्रोडक्ट्स पर उसके कंट्री ऑफ ओरिजिन सहित कई डिटेल देना जरूरी होगा। इन नियमांकों का उल्लंघन करने वालों के लिए दंड का प्रावधान है। आपको बता दें कि उपभोक्ता संरक्षण नियमावली 2020 भारत और विदेश में रजिस्टर्ड सभी इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर्स पर लागू होगी। मंत्री पासवान ने यह भी कहा है कि अभी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के नियमों में कुछ और समय लगेगा। उन्होंने कहा कि ई कॉमर्स नियम अनिवार्य प्रकृति के हैं। इनका उल्लंघन करने पर उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकार और उपभोक्ता अदालतों द्वारा कानून के तहत निर्धारित दंड भुगतने होंगे। छोटे उद्योगों से जुड़ी जानकारी साझा करेंगी CBDT और MSME मंत्रालय। आयकर विभाग जल्द ही सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के बिक्री कारोबार और डिप्रिसिएशन से जुड़ी पूरी जानकारी MSME मंत्रालय के साथ साझा करना शुरू करेगा। ये जानकारी संबंधित सूक्ष्म एवं लघु उद्योग द्वारा उनकी आयकर रिटर्न में उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुरूप होगी। बता दें कि इस सूचना के आधार पर MSME मंत्रालय को सूक्ष्म लघु और मध्यम श्रेणी के उद्यमों की जांच और उनके उचित वर्गीकरण में मदद मिलेगी। CBDT ने 14 जुलाई के अपने आदेश में आयकर प्रधान महानिदेशक को MSME मंत्रालय के साथ सूचनाएं साझा करने का निर्देश दिया है। जान लें कि आयकर कानून की धारा 138 आयकर विभाग को ये अधिकार देती है कि वो करदाताओं के बारे में कोई जानकारी अथवा ब्यौरा दूसरी सरकारी एजेंसियों के साथ साझा कर सकता है। संकट में भोपाल के रिफाइनरी कारोबारी, भारत के आयात रोकने से बड़ी मुश्किलें। कोरोना काल के कारण सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पड़ोसी नेपाल के बिजनेस पर भी काफी फर्क पड़ा है। भारत ने बीते दिनों रिफाइंड पाम ऑयल के आयात पर रोक लगाई थी, जिसके बाद से ही नेपाल का बिजनेस पूरी तरह से ठप हो चुका है। नेपाल की कई रिफाइनरी कंपनी ऐसी हैं जिन्होंने अब कच्चा माल लाना बंद कर दिया है, क्योंकि भारत ने उनका माल खरीदना बंद कर दिया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की खबर के मुताबिक भारत सरकार ने बीते दिनों 39 ऑयल इंपोर्ट लाइसेंस को रद्द कर दिया था, जिसके कारण पड़ोसी देश से आने वाला ड्यूटी फ्री शिपमेंट पूरी तरह से रुक गया। इसका असर नेपाल पर सबसे अधिक पड़ा, क्योंकि वहां की रिफाइनरी मार्केट पूरी तरह से भारतीय ग्राहकों पर निर्भर रही है। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।